व्यापारिक संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यवसाय प्रतिष्ठानों के संचालकों और उनके परिजनों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन स्वर्णकार धर्मशाला में हुआ, जिसमें करीब 350 से ज्यादा लोगों ने टीके लगवाए। व्यापारिक संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में बुधवार को स्वर्णकार धर्मशाला में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी व्यावसायिक संस्थानों के संचालकों और उनके परिजनों को टीके लगाए गए। सभी को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया गया। शिविर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चला। इस दौरान 350 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह ने भी शिविर का निरीक्षण किया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जिनेन्द्र डोसी ने बताया कि शिविर में सभी कपड़ा, किराना, सर्राफा, ऑटोमोबाइल, अन्य सभी संस्थानों के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। जो लोग रह गए हैं उनके लिए आगामी दिनों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा और टीके लगाए जाएंगे। शिविर में कमल मित्तल, अजय सिंहल, दौलत मोटवानी, सचिन पोरवाल, विजय होतवानी, संदीप चौधरी, जितेंद्र सोनी, कमल धनोतिया, ललित गाडिया, गुणवंत गोयल, मनोहर मोटवानी, पंकज रेडीमेड और उनकी टीम ने शिविर में सेवाएं दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नीमच और उनसे जुड़ी हुई एसोसिएशन, किराना, होलसेल, सराफा, बर्तन, ऑटोमोबाइल, रेडीमेड, अन्य जितनी भी एसोसिएशन है, हमने उनके माध्यम से सभी व्यापारियों के और उनके कर्मचारियों के 18 प्लस के नाम लगवाए। वो सूची हमारे पास है, उस अनुसार आज हम एक कैंप लगाने जा रहे हैं टीकाकरण का, और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम स्वर्णकार धर्मशाला में चल रहा है। बहुत ही अच्छे से कार्य संपन्न हो रहा है, सभी का सहयोग हमें मिला है, सभी एसोसिएशन के लोगों का, और हमें उम्मीद है कि शाम तक हम काफ़ी से काफ़ी वैक्सीनेशन करा पाएंगे। कितना टारगेट दिया था आपने? हमारा टारगेट लगभग करीब 400-500 का है, लेकिन आज पहले चरण में हमें उम्मीद है कि 200 करीब वैक्सीनेशन हो जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं वो कल या उसके बाद जैसा भी व्यवस्था तय होगी हम टीकाकरण करेंगे। आज लगभग मान के चलिए 200 तो मान करके चलिए, हो सकता 550 ज़्यादा भी हो, तो इतना टीकाकरण होगा। इसमें क्या है कि एक स्लॉट अलर्ट होता है सरकार की तरफ से, उस हिसाब से ये कार्यक्रम चलता है। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में नीमच की जो भी एसोसिएशन उसमें सम्मिलित है, सभी का आज यहाँ टीकाकरण किया जा रहा है ताकि व्यापार भी सुरक्षित रहे, व्यापारी सुरक्षित रहे, उसके आने वाले हजारों कस्टमर हैं उनकी भी सुरक्षा का दायित्व हमारे कंधों पे है। उसी वजह से हमारे द्वारा टीकाकरण किया है। आज ऐसा है कि 200 लोगों का हमें एक स्लॉट मिला है, 200 लोगों का आज होगा प्रथम चरण में, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये जो मुहिम है ये निरंतर जारी रहेगी ताकि प्रशासन को भी सहयोग मिले और पूरा जनता और व्यापारी और ग्राहक सभी सेफ रहें।